आज मेरी चारों तरफ लस उठते रहे, आज मेरे चारों तरफ क्या हवा चलती रही, आज मेरे चारों तरफ। और आखिरी शेर तजर इकबाल का कि आसमां पे तस्वीर बनाता वो जफर, आसमां पे तस्वीर बनाता वो जफर कि रहे एक तरफ और लगे चारों तरफ। तो आज यहाँ मुख्तलिफ हजरात उस तस्वीर को मुख्तलिफ रंगों से देखा है, मुख्तलिफ जावियों से देखा है और मुख्तलिफ आप सब अबाब का जो भी यहाँ पर हैं फर्दों फर्दों शुक्रिया अदा करते हुए अपने नजीजान से और अपनी बड़ी आपस बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, और हजारों ख्वाहिशें हैं दिल में किस किस का इजहार करूँ, लेकिन मैं उस वक़्त के मुताबिक कुछ बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज डेनमार्क में सबसे पहली और बहुत पुरानी इल्मी अदबी और सकाफ़ती ये तंजीम बज़्म फ़िक्र नौ, जिसके बानी और चेयरमैन और मुतअद्दिद जैसे कहा भी गया है चौधरी साहब ने बड़ी तफ़सील से जिक्र किया, मुतअद्दिद रफ़ाई तंजीमों के बानी और मुतहर्रिक कारकुन जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और इसी तंजीम के बानियों में शामिल हम सब के प्यारे शायर व अदीब और दानिशवर जनाब इस्लाम सकी साहब। और डेनमार्क में हम पाकिस्तानियों की मुल्की कौमी तंजीम पाकिस्तान सोसाइटी के बानी और चेयरमैन और बल्दिया कोपनहेगन के मुतअद्दिद बार सिटी काउंसिलर मुंतखब होने वाले जनाब लाइफन साहब और डेनमार्क में इस्लामी तंजीम के बानियों में शामिल और उर्दू शहावत को फ़रोग देने और पाकिस्तान बरदरी की मुतअद्दिद रफ़ाई तंजीमों को जान बख्शने वाले मेरे मोहतरम ख्वाजा तारिक अस्करी साहब जो बड़े खामोश से बैठे हैं और डेनमार्क के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के कौमी तशख़्स को उजागर करने और बड़े सगीर की जियो पोलिटिकल सूरत हाल के तनाजर में पाकिस्तान के मौक़ को दुनिया भर में सामने लाने की कोशिशों में यकता पाकिस्तान हाउस के डायरेक्टर मेरे मोहतरम जनाब जावेद राणा साहब जो कि हमारे साथ खुशकस्मती से आज मौजूद हैं और पाकिस्तानी बरदरी में हारतिर अजीज डैनिश कौमी सियासत में मुल्की सतह पर मुतहरक और दारकूमती रीजनल काउंसिल के रुकन जनाब अब्बास रिजवी साहब और वो जिन्हें हर कोई जानता है और जो हर हफ्ते आपके घर में बगैर दस्तक दिए घुस जाते हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब और दूसरे सभी अवाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। फर्दन फर्दन नाम लूँगा तो ख्वाजा साहब मेरे पाँच मिनट में से दो मिनट तो पहले ही काट चुके हैं। आप सभी अहबाब ने मेरे लिए अपनी मोहब्बत खलोस प्यार और शफ़क़त का इजहार करने का जो इत्मीनान किया है इसके लिए मैं तहे दिल से मगनून हूँ। मैं इस काबिल तो शायद हूँ या नहीं, मैं अपने दिल में इसका फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा इजाज़ समझता हूँ और इस पर रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजियों और आप सभी अहबाब की मोहब्बतों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। मेरे लिए इस मौके पर अपने मुतल्लिक कुछ कहना बहुत ही मुश्किल, मैं क्या और मेरी औकात क्या ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे मुतल्लिक मेरी अदबी काबिशों के मुतल्लिक जो कुछ यहाँ कहा है और जिस तरह मेरी काबिशों को सराहा और खराज पेश किया है इसके लिए मैं इन सब का फर्दन फर्दन ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसे फर्द के एजाज में अपने लिहाज से इस तरह की ये मनफी तकलीफ महज इतफाकियाँ हैं बल्कि ये निसब सदी का किस्सा है, कोई पल दो पल की बात नहीं। मैं 1972 में यहाँ डेनमार्क आया और तब से अब तक कलम की मजदूरी कर रहा हूँ। आप में से बेशतर जानते हैं कि सदाए पाकिस्तान जो डेनमार्क का पहला उर्दू अखबार ही नहीं बल्कि स्कैंडिनेविया का पहला उर्दू अखबार, उससे लेकर नवाए वक्त में 11 साल हर जुमे के रोज़ उसके फ्रंट पेज पर मेरा आर्टिकल होता था, तर्जियाती आर्टिकल 11 साल मुसलसल। इसके अलावा आप जानते हैं मेरी किताबें कुछ बैन है वे मासियम जो रसुआ है, किस दर किस जिंदगी है, आवाज़ के रिश्ते हैं, एच सी एंडरसन की रॉयल लाइब्रेरी के
सीमा पर की गई कहानियों के तराजुम हैं और बहुत कुछ है। तीन डैनिश नावल अपने भाई के साथ मिलकर किए और ये ऐसा मौका था कि पहली मरतबा डैनिश नावल उर्दू ज़ुबान में शाया हुए और इनकी तकरीब रुनमाई के लिए डैनिश एम्बेसी ने इस्लामाबाद में खसूसी न सिर्फ इहतमाम किया बल्कि उन मुसन्निफ़ीन को जिनके ये नावल थे उनको वहाँ बुलाया और टीवी टू पर इसके बाकायदा तकरीब रुनमाई की रिपोर्ट जो थी वो दिखाई गई। इसके अलावा डैनिश उर्दू डिक्शनरी है, इस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि जब मैं और हुमा ने ये मुरतब करने का प्रोग्राम बनाया तो दुश्वारी हमारे लिए ये थी कि हम तो जो लिखेंगे बड़े वसूख से लिखेंगे कि हमारा लिखा हुआ ही हरफ़ अव्वल है और हरफ़ आखिर है, लेकिन नहीं, इसके लिए हमारा साथ कौन दे के हमारी प्रूफ रीडिंग करे और हमारी गलतियों की निशान करे। तो जब नज़र घुमाकर देखा तो एक ही बंदे पर नज़र पड़ी और वो थे हमारे अब्बास भाई। अब्बास की खूबी ये है, शायद बहुत कम लोग जानते हों और अगर आप बुरा ना माने तो बड़ी बदन में राज की बात कह दूँ, वो ये है कि अब्बास चार जुबानें जानते हैं, पाकिस्तान की चार अहम जुबानें जो हैं वो जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम मिला लें तो पाकिस्तान में बहुत कम और अफगानिस्तान और ईरान की जुबान फारसी जो है वो तो इनकी मादरी है। अगर आप डिक्शनरी इसको देखेंगे तो इसमें कई मुस्तार अल्फाज जो हैं वो जुबान और हमारा नुकता नज़र ये था कि यही इनको पकड़ सकते हैं क्योंकि जिसने अपनी माँ का दूध दिया